मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिपरिषद बैठक बुधवार को दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक करीब 5 घंटे 50 मिनट चली। इसमें आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने 9 राज्यों में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी है। 10 राज्यों में फैली और 6 प्रमुख कॉरिडोर से लगी ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में अहम छलांग साबित होंगी। सरकार नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंटल प्रोग्राम के तहत इन पर 28,602 करोड़ रुपए निवेश करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में जल्द स्वर्णिम चतुर्भुज की भीड़ पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का एक भव्य हार होगा। इससे 10 लाख प्रत्यक्ष 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। इन परियोजनाओं से 1.52 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता भी पैदा होगी।